जय हिंद बंदे मातरम भारत माता की जय। स्वागत है दोस्तों भारत के सबसे नंबर वन जियो न्यूज चैनल में। तो दोस्तों यहां पर जैसा कि आपको पता है कि 8 बजे मोदी जी लाइव आए हैं और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो दोस्तों फाइनली अब जियो फोन 3 को मिलने का समय हो गया है। जो जियो फोन 3 का इंतजार कर रहे हैं अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है और यह इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खत्म की गई है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होना है, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है अगर आप जियो फोन 3 को लेना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जियो की तरफ से यह फैसला आई है कि जिस दिन आप ऑर्डर करते हैं उसके 72 घंटों में आपके घर जियो फोन 3 पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर आप भी जियो फोन 3 का वेट कर रहे थे तब वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑर्डर करके फाइनली 72 घंटे में अपने घर जियो फोन 3 ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जियो फोन 3 के बारे में। तो दोस्तों अभी अगर आप तुरंत अभी ऑर्डर करते हैं तो अब से 72 घंटे से 75 घंटे में आपके घर जियो फोन 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आती है कि आपको जियो फोन 3 लेना है या फिर जियो फोन 3 प्रो। दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी पसंद है जियो फोन 3 या फिर जियो फोन 3 प्रो, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो जियो फोन 3 में ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है जो DSLR वाला कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात की जाए जियो फोन 3 प्रो में तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है। आगे की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इन दोनों की प्राइस कितनी होने वाली है और आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। उसके पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ पर आपको जियो फोन 3 में 48 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जबकि बात किया जाए जियो फोन 3 प्रो में तो वहाँ पर 64 यानी कि 64 MP का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। बात किया जाए डिस्प्ले की तो यहाँ पर 6.4 इंच की डिस्प्ले आपको जियो फोन 3 में देखने को मिलेगी, जबकि बात किया जाए जियो फोन 3 में तो यहाँ पर 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले आपको जियो फोन 3 प्रो में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए पबजी की तो यहाँ पर आप जियो फोन 3 साथ ही साथ जियो फोन 3 प्रो दोनों में आप पबजी बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। इसका प्रोसेसर इतना सफिशियंट है कि आप नॉर्मली पबजी दोनों मोबाइल में खेल सकते हैं। अब इसका बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। दोस्तों यहाँ पर जियो फोन 3 में 13 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जबकि बात किया जाए जियो फोन 3 प्रो में तो वहाँ पर आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। उसमें आपको ब्लर इफेक्ट भी दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैंने अभी जियो फोन 3 का ऑर्डर किया है और साइट नॉर्मली ओपन हो चुका है, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जियो फोन 3 का ऑर्डर करना तो मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन से आप जियो फोन 3 जियो फोन 3 प्रो दोनों का स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बात करें ऑर्डर का तो मैं ऑर्डर करके दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरी आराम से देख के शांति से देख कर आप जियो फोन 3 का ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है ऑर्डर करने में तो आप इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मेंबर के पास शेयर करके हमारे पास कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ऑर्डर करके आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा रजिस्ट्रेशन नंबर। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जियो फोन 3 का ऑर्डर और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर किसी भी स्पैम कॉल या फिर किसी भी झूठे डिलीवरी से बचने के लिए एक भी रुपया किसी को भी न दें। तो यहाँ पर हम करते हैं शुरू ऑर्डर जियो फोन 3 का और साथ ही साथ जियो फोन 3 प्रो का। दोस्तों जियो फोन 3 का रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल कुछ नहीं है, उसमें ऑप्शन पूछेगा क्या आपके पास जियो फोन 1 है या फिर जियो फोन 1 नहीं है, क्या आपके पास जियो फोन 2 है या फिर जियो फोन 2 नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन चूज करना है। साथ ही साथ ये पूछा जाएगा कि आप जियो का सिम यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, फार्म ओपन हो रहा है, थोड़ा सा सर्वर बिजी है जैसा कि आपको पता है, केवल 2 दिन का और समय रह गया है। तो अगर आप इस समय मिस कर रहे हैं जियो फोन 3 को बुक करना तो आप हरगिज से जियो फोन 3 बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय जितना कम रहेगा सर्वर उतना बिजी होगा और हो सकता है सर्वर क्रैश कर गया तो आप जियो फोन 3 को बुक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा फॉर्म हो चुका है ओपन और मैं जियो फोन 3 को बुक करके आपको सामने दिखाता हूँ। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको नाम
और साथ ही साथ जैसा कि आधार कार्ड में नाम दिया रहेगा वही आपको वही नाम डालना है, साथ ही साथ उसके साथ ईमेल आईडी, वो ऑप्शनल, आप ईमेल आईडी नहीं डालते हैं तो अपना फ़ोन नंबर डालिएगा जो फ़ोन नंबर एक्टिव हो, मतलब वहां से कॉल आ सके। साथ ही साथ यहां पर पिन कोड डालिएगा, पिन कोड के जरिए आपको बताया जाएगा कि आपका निकटतम जियो स्टोर कहाँ है, आपको फ़ोन किस जगह से लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जियो फोन 3 की बुकिंग कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और उसके बाद से हमको कमेंट में बता दीजिए कि सर आप मेरा जियो फोन 3 बुक कर दीजिए, मैं आपका जियो फोन 3 बुक करके उसी कमेंट बॉक्स में जियो फोन 3 का रजिस्ट्रेशन नंबर रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जियो फोन 3 का फॉर्म भरने में किसी भी तरीके का पैसा नहीं लगेगा, यह बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री है। और अगर आप कमेंट में अपना नंबर देते हैं और उस नंबर से कॉल आता है तो अगर कोई कहता है कि आपको जियो फोन 3 बुक करने के लिए पैसा चाहिए तो बिल्कुल ही जियो फोन 3 बुक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको किसी भी को भी पैसा नहीं देना है, फ्री में जियो फोन 3 को रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है यहाँ पर आपको मैप दिखेगा और निकटतम जियो फोन स्टोर आपको उसमें शो करेगा, वहाँ से आप जाकर जियो फोन 3 ले सकते हैं, या फिर आप अगर जियो फोन 3 का स्टोर देखे हैं तो वहाँ से आप जाकर निकटतम जियो स्टोर से जियो फोन 3 को ले सकते हैं।